नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना टालीपीप्स टीवी चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। चलिए बात कर ली जाए कलर्स टीवी के द मोस्ट पॉपुलर शो परिणीति की। दोस्तों, सीरियल परिणीति के आगे आने वाले ट्रैक में आप सब लोगों को देखने को मिलने वाला है एक बहुत ही बड़ा सा ट्विस्ट। ट्विस्ट ये देखने को मिलने वाला है कि हमारे संजू अब अपनी परी के साथ जो कुछ भी हादसा हुआ वैष्णो देवी में, और अब जब पार्वती ने खुद कबूल कर लिया है कि वो ही परी है और सारा सच भी अब जब संजू के सामने आ चुका है, तो संजू नीति को नहीं छोड़ना चाहता है। वो नीति को इसके किए की सजा देना चाहता है, और ऐसे में हमारे संजू गुस्से से पागल हो गए हैं और उन्होंने उठा लिया है बंदूक और ढूंढ रहे हैं नीति को। और ऐसे में नीति जो है वो अब प्लान बना रही है एक बार फिर से परी को जान से मारने का, और उसी समय वहां पर पहुंच जाने वाला है संजू, वो भी बंदूक लिए, और उसका गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ जाने वाला है कि वो किसी के भी शांत करने से शांत नहीं होगा। और बस वो बंदूक लेकर जाएगा और बस वो नीति की जान लेने को उतारू होगा और तान देगा नीति के ऊपर बंदूक। तभी वहां पर परी आएगी, संजू को शांत करेगी और कहेगी कि नीति को उसके किए की सजा मिल चुकी है और अब नीति को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता है। तभी यहाँ पर नीति को होगा अपनी गलती का एहसास और वो मांगेगी संजू और परी दोनों से, जो है नीति हाथ जोड़कर पैरों में गिरकर उन दोनों से माफी मांगती नजर आने वाली है। और यहाँ से सीरियल की कहानी द एंड की तरफ जाएगी, क्योंकि खबरें आ रही हैं कि दिसंबर में शो ऑफ एयर हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि नीति को अपनी गलती का एहसास होगा, संजू और परी एक होंगे, तो तमाम चीजें जो है स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाई जाएंगी। कैसी लगी आपको ये अपडेट, ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल टालीपीप्स को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा।